स्वागत है आपका आकाश जी 2AM चैनल पे। आज के हम बात करेंगे SSC MTS के रिजल्ट को लेकर, आप अपडेट के बारे में बताएंगे कि SSC MTS का रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल जाएगा और कितना देरी है। लेकिन यहाँ पे SSC MTS में एक बहुत बड़ी दुखी खबर ही आ चुकी कि रिजल्ट आ नहीं रहा, छात्र इंतजार कर रहे हैं, लेकिन SSC MTS में वैकेंसी है और कम हो गई है। जो पहले वैकेंसी थी वो और कम हो गई, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो कम हो चुका है, रिजल्ट की रिगार्डिंग भी चर्चा करेंगे, रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा, वैकेंसी क्यों कट हो रही है। तो टोटल 11,784 वैकेंसी अब रह गई है। पहले आपकी वैकेंसी जब MTS की स्टार्ट हुए तो 12,000 समथिंग आपकी वैकेंसी थी, उससे फिर यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक और वैकेंसी काटी जिसमें आपकी 11,788 वैकेंसी की, उसके बाद अब 4 वैकेंसी और डिक्रीज कर दी गई है। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो रिजल्ट आ नहीं रहा, लेकिन MTS जो है वैकेंसी के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है कि वैकेंसी डिक्रीज करने का काम ज्यादा SSC संभाल रहा है। तो यहाँ पे कब तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, देखो अब जो पॉसिबिलिटी है कि अब जो रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि रिजल्ट आपके आने की कगार में, क्योंकि अब आपका कुछ दिनों बाद भी आपका CPU का रिजल्ट भी आपका आ जाए, जिसका हाल ही में एग्जाम हुआ था, क्योंकि उसका दिसंबर में एग्जाम है, ठीक है। तो ये कि CPU का एग्जाम नवंबर में आपका आएगा, तो ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉसिबिलिटी है कि 18 से लेकर आपका जो रिजल्ट है वो आपको इस वीक आपको देखने को मिले या अगले मंडे तक आपको रिजल्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द रिजल्ट आया, क्योंकि SSC MTS जो है फाइनल पे काम कर रहा है, फाइनल रिजल्ट पे काम कर रहा है। आज भी देखो कि MTS ने फाइनल रिजल्ट पे काम किया है, तो क्या पता आज शाम को आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कट ऑफ को रिगार्डिंग, कट ऑफ रिगार्डिंग मैंने काफी सारे बच्चों को चर्चा करते हुए देखा है कि हमारा शिफ्ट ये है, हमारा शिफ्ट वो है, हमारे कितने नॉमिनेशन होंगे, कितने क्या होंगे। तो मैं आपको एक चीज समझ देता हूँ, आपके शिफ्ट में चाहे मार्क्स कम भी आ रहे हो, अगर आपकी ई शिफ्ट थी तो आपका नॉमिनेशन भरपेट के होगा, नॉमिनेशन से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, ये समझ लीजिएगा। नॉमिनेशन से कट ऑफ का ये मतलब है, जैसे अगर आपके हाई राज्य वाले स्टेट से UP है, बिहार है, ठीक है, अगर इनमें पेपर आपका टफ गया है, हार्ड शिफ्ट है आपकी, ठीक है, राजस्थान है, तो इनकी जो कट ऑफ है ना आपकी UR कैटेगरी 125+ रहेगी विथ नॉमिनेशन, ठीक है। इसकी कट ऑफ 125 से कम जाना UR कैटेगरी में, UP राजस्थान बिहार में, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी रहेगी नॉमिनेशन के साथ, ध्यान रखिएगा। बाकी वेस्ट बंगाल सुन लीजिएगा, असम, ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ रहेगी UR कैटेगरी में वो कहीं ना कहीं 110+ के अराउंड रह सकती है, जी हाँ, विथ नॉमिनेशन के साथ 110+ रह सकती है। बाकी जो आप त्रिपुरा हो गया, दादर हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, तो इनकी जो कट ऑफ है UR कैटेगरी में, अगर कट ऑफ 90 करीबन रहे नॉमिनेशन के साथ तो भी कोई बड़ी बात नहीं, इनकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। तो मैं आपको ऑल स्टेट वाइज कट ऑफ बता चुका कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट आज शाम को पॉसिबिलिटी की आज आ जाए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट पे काम हो रहा है, वैकेंसी घट रही है, तो SSC जो है फाइनल रिजल्ट पे काम करेगी। उसके बाद कुछ दिन बाद आपका ज्वाइनिंग भी आपका होने वाला है और DV आपकी होने वाली, कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके एक वीक बाद आपका DV स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो DV में कम से कम आपका 1 से 2 वीक आपका DV में लगता है, उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया।